सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी ने सलमान के बारे में नेशनल टेलीविजन पर काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कही। एक एपिसोड में सलमान ने सपना भवनानी को पूछा, अगर तुम ये गेम खेलने नहीं आई तो क्या पिकनिक मनाने आई हो? क्या तुम्हें दूसरों की तरह पैसे में इंटरेस्ट नहीं? इस पर सपना भवनानी ने कहा कि आपको कोई हक नहीं बनता हर हफ्ते सबकी बेइज्जती करने का, क्योंकि मुझे आप पैसे देते हो तो मैं आपकी बकवास नहीं सुनूंगी। उन्होंने सलमान को सीरियल वुमन बीटर भी कहा। रूमर मॉन्गर्स की माने तो सपना के इस बेधड़क वार से प्रोडक्शन हाउस वाले इतना हिल गए कि उन्होंने सपना के कॉन्ट्रोवर्शियल साउंड बाइट्स काट दिए। लगता है सलमान को फाइनली कोई अपने टक्कर का दुश्मन मिल गया है। सपना भवनानी ने सलमान से सिर्फ इसलिए पंगा लिया क्योंकि वो जानती है सलमान के बाल ना वो झड़ चुके हैं। ही इज नॉट अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर हेयर ड्रेसिंग, सो दैट्स व्हाई। व्हाट्स योर टेक सिमी? सलमान बनना चाहते थे द नो ऑल एंकर, लेकिन खुद का गिरा दिया है उन्होंने शो पर स्थिर। सपना को नहीं है उनसे कोई डर, उन्हें वुमन बीटर कहकर काट दिए उन्होंने शायद सलमान के ही पर।